बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज अरौली काटई एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कर रहे मेमारडीह अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। बीते महीने उन्नत मार्ग के अवलोकन के दौरान उन्होंने अधिकारियों से एलिवेटेड मार्ग का प्रारूप दिखाने को कहा था, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इससे नाराज पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज चेतावनी दी कि यदि हफ्ते भर में उन्हें जरूरी जानकारी नहीं दी गई तो वे एलिवेटेड मार्ग का निर्माण नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। अरौली काटई नाका एलिवेटेड कॉरिडोर में क्या कोई धांधली चल रही है? क्या उन्नत मार्ग के प्रारूप में कोई बड़ी खामी है जिसे एमएमआरडीए छुपाने की कोशिश में जुटी है? बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज इसी बात को लेकर एमएमआरडीए अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। आज अरौली एलिवेटेड कॉरिडोर का दोबारा दौरा करने के बाद बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने कहा कि वे लगातार उन्नत मार्ग के निर्माण का प्रारूप और टेक्निकल जानकारी साझा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एमएमआरडीए अधिकारी हैं कि उसे दिखाने को तैयार नहीं है। गणेश नाइक ने कहा कि यदि हफ्ते भर में जरूरी जानकारी साझा नहीं की गई तो वे अरौली एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण नहीं होने देंगे। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। नई मुंबई मधून जर अरौली ब्रिज टू काटई हा उन्नत म्हणजे एलिवेटेड रोड जाणार असेल पारशी डोंगराला बोगदा करून, तर नई मुंबईच्या लोकांना मुंबईकडे जाण्याकरता, मुंबईतून उतरण्याकरता, काटईकडे जाण्याकरता आणि काटईतून उतरण्याकरता तिथे मार्गिका निर्माण व्हायला पाहिजे या गोष्टीची मागणी अरौलीचे प्रथम आमदार संदीप नाईक यांनी केली होती। परंतु यांचं काम चालू होतं आणि काम पूर्णत्वाला येण्याच्या स्थितीत असताना काही लोकांच्या मनात होतं की नवी मुंबईला आपण बायपास करू, परंतु मी माननीय आयुक्तांकडे सुद्धा एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांकडे सुद्धा आग्रह धरला आहे, ज्या कालखंडामध्ये ते काम सुरू जर आणखी 10-15-20 दिवसानंतर याच्यातून अनुषंगाने काहीतरी मार्गिकेचं काम सुरू नाही झालं किंवा एकूण मुवमेंट नाही झाली तर एक दिवशी सगळे काम बंद मला बंद करावं लागेल। आणि मी प्रगतीच्या विरुद्ध आम्ही नाहीत, परंतु सगळ्यांची प्रगती होताना नवी मुंबईच्या लोकांना वंचित ठेवण्याचा जर कोणी प्रयत्न केला तर ते आम्ही सहन करणार नाही। सिग्नल फ्री रोडसाठी जर आम्ही हा जर ब्रिज थांबवला तर तो न करण्याची काही लोकांची भूमिका आहे। आणि म्हणून संजय देसाई जे सिटी इंजिनियर मी सांगितले की रबाल्यापासून तिथून टेकऑफ घ्यायची आणि तिकडे पुढे चिंचपाड्याच्या त्या टोकाला तिथे लँडिंग करायची, परंतु हा सिग्नल फ्रीसुद्धा आपण करू, त्यासाठी उद्याला 125-150 कोटी लागले तरीसुद्धा, कारण महापालिका पुन्हा येणार आहे, महापालिका निश्चितपणे गणेशाच्या नेतृत्वाखाली येणार आहे, त्यामुळे प्रॉब्लेम तिथे येणार नाही। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई मनपा चुनाव के मद्देनजर अरौली काटई उन्नत मार्ग एक चुनावी एजेंडा बन गया है। बीजेपी के शासनकाल में शुरू यह प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा है, इसे जल्द पूरा कराने बीते महीने बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने दौरा किया और उसके तुरंत बाद नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद राजन विचारे ने भी यहाँ का जायजा लिया। हर कोई इन परियोजनाओं के नाम पर श्रेय लेने की कोशिश में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।